देखना, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अजीज तलबा, आज का लेक्चर जो है अकाउंटिंग की कुछ बेसिक टर्म्स हैं उनको समझने के एतबार से है। बिजनेस, कारोबार, हर वो सरगर्मी जो नफा कमाने की गर्ज से इख्तियार की जाए उसे बिजनेस या कारोबार कहेंगे। नफा कमाना उसमें मकसूद है, अगर नफे की गर्ज नहीं है तो कारोबार नहीं कहलाता। नफे की गर्ज ही किसी भी एक्टिविटी को कारोबार बनाती है। परचेजिस, खरीद, वो तमाम अशिया जो फरोख करने की गर्ज से खरीदी जाए परचेजिस कहलाती है। नकद खरीदेंगे तो कैश परचेजिस, अगर उधार खरीदेंगे तो क्रेडिट परचेज कहलाएंगे। परचेज रिटर्न, खरीदी हुई अशिया अगर मयार के मुताबिक ना होने की वजह से या रास्ते में टूट फूट जाने की वजह से वापस कर दी जाए तो इन्हें परचेज रिटर्न का नाम देंगे। बाज़ औक़ात फरोख़्त कुनिंदा कीमत में कमी पर रज़ामंद हो जाता है तो वो परचेज अलाउंस कहलाएगा। सेल्स, फरोख़्त, फरोख्त सेल्स, खरीदी हुई चीजें अगर फरोख्त कर दी जाए, बेच दी जाए तो इसे सेल्स का नाम देंगे। नकद फरोख करें तो कैश सेल, उधार फरोख करें तो क्रेडिट सेल्स कहलाएं। सेल्स रिटर्न, फरोख्त वापसी, फरोख्त की हुई अशिया किसी वजह से वापस आ जाए, मयार ना हो या रास्ते में टूट फूट जाए तो इन्हें सेल रिटर्न का नाम देंगे। अगर कीमत पर कमी पर फरोख कुंदा रजामंद हो जाता है तो इसे सेल अलाउंस का नाम दिया। ट्रेड डिस्काउंट, खरीदो फरोख पर दुकानदार ग्राहक को जो रकम छोड़ देता है, नकद खरीदो उधार खरीदो, इस सूरत में दी जाने वाली रियायत को ट्रेड डिस्काउंट का नाम देते हैं। इसे किताबों में दर्ज करने की बजाय कुल रकम से मनफी कर दिया जाता है। ट्रेड डिस्काउंट किताबों में दर्ज नहीं किया जाता बल्कि कुल रकम से इसे मनफी कर देंगे। कैश डिस्काउंट, नकद रियायत, कर्ज खा मकरूज को जो रकम छोड़ देता है इसे कैश डिस्काउंट का नाम देंगे। इसे किताबों में दर्ज करना जरूरी है, इसका रिकॉर्ड पहले से मौजूद होता है खातों में। अकाउंट्स रिसीवेबल या डेटर्स, आई काम वाले लफ्ज डेटर्स इस्तेमाल करेंगे और डी काम वाले जो अकाउंट रिसीवेबल का लफ्ज इस्तेमाल करेंगे। ऐसे अशखास या इदारे जिन्हें उधार चीजें फरोख्त की हों और उनसे रकम वसूल करनी हो ये अकाउंट रिसीवेबल या डेटर्स कहलाते हैं। अकाउंट्स पेएबल, क्रेडिटर्स, ऐसे अशखास या इदारे जिनसे उधार चीजें खरीदी हो और उन्हें रकम अदा करनी हो ये वाजिब अदा खाते कहलाते हैं। कैपिटल, सरमाया, वो अशिया और रकम जो कारोबार का मालिक कारोबार में इन्वेस्ट करता है, लगाता है कारोबार चलाने के लिए, वो उसका सरमाया या कैपिटल कहलाती है। ड्राइंग, अगर कारोबार का मालिक अपने जाती इस्तेमाल के लिए कारोबार से कुछ चीजें या पैसे निकाल लेता है तो उसे ड्राइंग्स का नाम देंगे। ये जाती खर्च होता है उसका जो उसकी इक्विटी को कम करने का बायस बनता है। एसेट्स, असासाजात, कारोबार को चलाने के लिए बहुत सी चीजों की जरूरत होती है, इनके बगैर कारोबार नहीं चलाया जा सकता। ये चीजें कारोबार की मलकियत तसव्वुर की जाती है। कारोबार इन्हें इस्तेमाल करने और फरोख्त करने का हक रखता है, मसलन कैश, बैंक बैलेंस, मशीनरी, फर्नीचर, प्लांट, ये चीजें कारोबार की जराए या रिसोर्सेज भी कहलाते हैं, यानी जिन जरियों से कारोबार चलता है, इनके बगैर कारोबार को चलाने का तसव्वुर नहीं किया जा सकता। इक्विटीज, जिम्मेदारियां, कारोबार के मालिक और बाहर के लोगों का कारोबार के असासाजात पर दावा इक्विटीज कहलाता है। या कारोबार के जो जराए हासिल करने के लिए तरीके अख्तियार किए जाते हैं उन्हें इक्विटीज का नाम देते हैं। पहला जरिया कारोबार का मालिक खुद है, वो जो कुछ भी कारोबार में लाता है वो उसकी ऑनर्स इक्विटी या कैपिटल कहलाता है। जरूरी नहीं वो सब कुछ कारोबार में फराहम कर सके, वो लोगों से कर्ज भी ले सकता है, उधार भी खरीद सकता है। इस सूरत में उसको एक्सटर्नल इक्विटी या क्रेडिटर्स का नाम देंगे, एक्सटर्नल इक्विटी या क्रेडिटर्स का नाम देंगे। अकाउंट के अजीज तलबा पांच किस्में हैं, एसेट्स, असासाजात,
एक्सपेंसेस, लाइबिलिटीज, ऑनर्स इक्विटी, इनकम और रेवेन्यू। इन पांच अकाउंट्स की जो आपके पास नोट्स मौजूद हैं उसमें पांच अकाउंट्स की लिस्टें बनाकर वहां पर लिखी हुई हैं एक पेज पर, वो लिस्टें आप अच्छी तरह याद करके उससे नेक्स्ट पेज पर फिर इनको मिक्स करके लिखा हुआ है, इनको सॉर्ट आउट करके पहचान करनी है कि कौन से अकाउंट्स किस किस हेड में इस्तेमाल होंगे पूरी अकाउंटिंग। जैसा कि मैं अभी आपको करके दिखाता हूं, ये कुछ अकाउंट्स आपके सामने कैश, बैंक, बैंक चार्जेस, बैंक लोन, परचेजेस, बैंक ओवरड्राफ्ट, सेल्स, सेल्स रिटर्न, सेल्स सैलरीज, वेजेस, कैरी इन इन्वेस्टमेंट, कैपिटल ड्राइंग्स, एडवर्टीजमेंट, अकाउंट्स रिसीवेबल, अकाउंट। ये मुख्तलिफ अकाउंट्स हैं जो कि मुख्तलिफ हेड्स के तहत जो हमने इनको अलग अलग करना है कि कौन सा अकाउंट किस हेड में शुमार होता है। जब तक इनकी सही पहचान नहीं होगी उस वक्त तक जो है वो आगे गलतियां आती जाएं। इससे बचने के लिए जरूरी है कि हम इनकी पहचान, सही पहचान जो है वो